राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानून को होली के अवसर पर श्री हरिवृद्ध आश्रम में बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने और उन्हें भोजन कराने विदिशा पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की सेवा हमारा धर्म और हमारी संस्कृति है। इस वृद्ध आश्रम में न केवल निस्वार्थ भाव से ही हो रही है बल्कि निरपेक्ष भाव से बुजुर्गों की सेवा हो रही है। बुजुर्ग अनुभवों की खान होते हैं और हम सबको उनके दिशा और मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए, तभी हम जीवन के सभी संभावित क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर सकते हैं। बुजुर्गों का दिल दुखाकर आज तक कोई उपलब्धि पर नहीं पहुंच सका है। उन्होंने श्री हरि वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों से भेंट की और यहाँ उनके स्वास्थ्य और प्रसन्न चित्त चेहरे देखकर बहुत आश्वस्त और प्रसन्न हुए। श्री हरि और यहाँ उनके स्वस्थ और प्रसन्न चित्त चेहरे देखकर बहुत आश्वस्त और प्रसन्न हुए। श्री हरि वृद्ध आश्रम की बेहतरीन साफ सफाई, सुंदरता और अत्याधुनिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था देखकर उन्होंने कहा कि आश्रम मध्य प्रदेश का एक आदर्श आश्रम के रूप में स्थापित हो गया है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। कि आप लोग केवल निस्वार्थ भाव से वृद्धाश्रम नहीं चला रहे हैं बल्कि निरपेक्ष भाव से भी वृद्धाश्रम चला रहे हैं। मैंने 2015 से 18 आयोग में सदस्य के रूप में काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में, वह अलग विषय था। 18 में वृद्धाश्रम में आकर होली मनाना अपने आप में, और खास रूप से दिल्ली से आप पधारे हो, लगा कैसा आज वृद्धों के बीच जो माता पिता का स्वरूप कैसा लगे आके? देखिए, अपनों के बीच में आके जो सुख की अनुभूति होती है उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए तो मैं यहाँ आना चाहता था और यहाँ मैंने ये अनुभव किया कि यहाँ निरपेक्ष निस्वार्थ भाव से बुजुर्गों की सेवा की जा रही है। वो निश्चित रूप से उसको देखना और महसूस करना अपने आप में मन को शांति देने वाला और सुख देने वाला अनुभव। बालाई को देखें तो बहुत सक्रियता के साथ आप लगातार कायम कर रहे हैं। देश में कहाँ अपन देख पा रहे हैं कि किस प्रदेश में बालकों की बड़ी स्थितियाँ इतनी है कि चिंता का विषय भी है अपने। देखिए, देश में कई जगहों पर जो बच्चों के अधिकारों को लेकर के समस्याएं हैं वो हम अलग अलग जोन्स में अगर बांटेंगे तो अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। दक्षिण भारत में हमको अनरजिस्टर्ड इरेगुलेटेड चिल्ड्रन होम्स की समस्या है। हम पूर्वी भारत में देखें तो पश्चिम बंगाल में, झारखंड में हमको चाइल्ड ट्रैफिकिंग की समस्या है, बच्चों की तस्करी हो रही है। तो पंजाब की तरफ अगर हम जाते हैं तो नशे की गिरफ्त में बच्चे हैं। देश के हर भाग में अलग तरीके की समस्याएं बच्चों के साथ हैं और हम ये नहीं कह सकते कि वन साइज नॉट फिट्स फॉर ऑल। तो जहाँ जैसी समस्या है उससे वहाँ लड़ रहे हैं। समूचे देश में विदिशा का नाम गौरवान्वित करने वाले विदिशा के माननीय राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो जी यहाँ पर वृद्धाश्रम में आए। होली के इस शुभ अवसर पर उन्होंने सभी वृद्धजनों का आशीर्वाद लिया, पैर छूकर उन्हें मिष्ठान वितरित किया, भोजन कराया और उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ पर वो हर संभव सभी प्रयास किया करेंगे। जैसा कि वृद्धाश्रम में कुछ महिलाएं भी अपने परिवारों से पीड़ित यहाँ पर आती हैं, उन्होंने कहा कि निश्चित वृद्धाश्रम उन्हें सूचित करे तो उनकी जो भी समस्या होगी महिला आयोग के माध्यम से, बाल आयोग के माध्यम से उस पर वो कार्रवाई कराएंगे और हर संभव जहाँ की जो मदद होगी वो करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।